अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आई एम बैक विद एन अदर वीडियो। सो आज का जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड की पहले डेफिनेशन नोट कर लें, एक पेपर और एक पेन अपने हाथों में ज़रूर रखें और नोट करते जाएं मेरे अल्फाज को, और ज़रूर वो आपके काम आएगा। पहले तो डेफिनेशन नोट कर लें ताकि वो आप पेपर में भी अगर आ जाए तो लिख सकें आप। द मेथड विच हेल्प्स टू कलेक्ट फैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। मैं नोट कर देता हूं, द मेथड विच हेल्प्स टू कलेक्ट फैक्ट्स, सही है, जो मेथड फैक्ट्स को कलेक्ट करने में हेल्प करता हो। फैक्ट्स वो चीज़ें जो बिल्कुल दुरुस्त होती हों, जिनमें कोई गलती बहुत मुश्किल है कि पॉसिबल हो, जिनमें गलती ना होती हो ऑब्वियसली। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। हाँ, तो वो चीज़ें, वो फैक्ट्स जिन्हें कलेक्ट करने में हेल्प करता है वो साइंटिफिक मेथड होता है। द मेथड विच हेल्प्स टू कलेक्ट फैक्ट्स, जो फैक्ट्स को कलेक्ट करने में हेल्प करता है वो साइंटिफिक मेथड होता है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट को हम आगे डिस्कस करते हैं। जो आप पहले ये बात याद रख लें, फैक्ट्स को कलेक्ट करने में जो हेल्प होता है, जो मेथड यूज़ होता है वो साइंटिफिक मेथड होता है। तो स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, सही, नंबर वन पे आता है ऑब्जर्वेशन, नंबर टू पे आता है हाइपोथेसिस, एंड नंबर थ्री पे आता है थ्योरी, नंबर फोर पे आता है एक्सपेरिमेंट, नंबर फाइव पे आता है लॉ। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम कवर करेंगे, ऑब्वियसली स्टेप्स ही हैं। तो नंबर वन पे आता है ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन, द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग नेचुरल फिनोमेना विद द हेल्प ऑफ फाइव सेंसेस एंड द साइंटिफिक इक्विपमेंट्स इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन, सही। ऑब्जर्वेशन वो प्रोसेस है जिसमें ऑब्जर्व किया जाता है किसी नेचुरल फिनोमेना को। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि न्यूटन ने एक लॉ दिया था, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो हम आगे अपने आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे ऑफ मोशन। वो कहता है, उसकी जो जो स्टेटमेंट है वो है, स्टेटमेंट तो नहीं, खैर उसकी जो जो उसकी जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो है F इज इक्वल्स टू एम ए। इसमें फोर्स F है, M मास है और A है एक्सीलरेशन। तो जब उसने ये लॉ प्रपोज किया होगा तो उससे पहले उसने स्टार्ट क्या किया होगा कि यार जब किसी चीज़ पे कोई फोर्स एग्जर्ट की जाती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, और वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस फोर्स के मैग्नीट्यूड के ऊपर, और वो इन्वर्स, वही फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के ऊपर। तो उसने ये पहले ऑब्जर्व किया होगा कि यार कोई फोर्स हम एग्जर्ट करते हैं तो एक्सेलरेशन पैदा होती है। जैसे ये पेन रखा हुआ है तो मैं इस पर अगर फोर्स लगाऊंगा तो ये एक्सेलरेट होगा, ये आगे होगा ऑब्वियसली। तो उसने पहले ये ऑब्जर्व किया होगा, तो इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब समझ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, हाइपोथेसिस। द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मैं जब किसी चीज़ पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा हूँ तो वह एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है। अब जो मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके आगे कि मैं जब किसी चीज़ पे फोर्स एग्जर्ट करता हूँ तो वो एक्सेलरेट हो रही है, जब मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा तो वो हाइपोथेसिस कहलाएगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं किसी भी चीज़ पे फोर्स एग्जर्ट करता हूँ तो एक्सेलरेशन पैदा हो रही है, तो ये हाइपोथेसिस हुआ कि मैंने ये ऑब्जर्व किया और मैं अब इसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हमने कवर कर लिया हाइपोथेसिस। तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो है थ्योरी। इफ हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड इज कॉल्ड थ्योरी। इसकी एक एक्सप्लेनेशन दी है, साइंटिस्ट डिजाइन अ थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस एंड गिव्स एन एलोबरेटेड एक्सप्लेनेशन अबाउट द फिनोमेना। जो साइंटिफिकली जो
मतलब एक अच्छे तरीके से डिफाइन किया जाता है किसी ऑब्जर्वेशन को, किसी एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन को, और हाइपोथेसिस को जो क्लियरली डिफाइन करता है वो होती है थ्योरी। जैसे मैंने ये जो दोबारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं कि फोर्स एग्जर्ट की तो एक्सेलरेशन हुई, अब जब मैं ऐसे तमीज़ से और बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करूँगा साइंटिफिकली तो वो थ्योरी कहलाएगी, सही है। अब थ्योरी जब दूसरे साइंटिस्ट तक पहुँचेगी तो वो इसे टेस्ट करेंगे, उस टेस्टिंग को, और उस ऑर्गेनाइज्डली ऑर्गेनाइज करके, ऑर्गेनाइज तरीके से जब उसे टेस्ट किया जाएगा, जब किसी चीज़ से फोर्स एग्जर्ट की जाएगी और देखा जाएगा कि हाँ यार एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, और वो फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उस ऑब्जेक्ट के मास पे जिस पे वो फोर्स एग्जर्ट की जा रही है, तो जब उसे तमीज़ से और ऑर्गेनाइज वे में जब टेस्ट किया जाएगा तो वो होता है एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट होगा ऑब्वियसली, सही। तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, वो है लॉ। व्हेन प्रिडिक्टेड रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड बाय एक्सपेरिमेंट द थ्योरी इज सपोज टू बी करेक्ट एंड देन दिस थ्योरी बिकम्स अ लॉ। जैसे कि मैंने कहा थ्योरी को टेस्ट किया जाता है वो एक्सपेरिमेंट कहलाता है। अब एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि जब कोई फोर्स एग्जर्ट की जा रही है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, और जितनी ज़्यादा फोर्स उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन, और जितनी ज़्यादा फोर्स उतना कम मास, और जितना ज़्यादा मास होगा उतनी फोर्स भी ऑब्वियसली कम ही लगेगी, एक्सेलरेशन भी कम ही होगी जितना ज़्यादा मास होगा। तो जब ये देख लिया जाएगा कि हाँ यार ऐसा हो रहा है सीरियसली, और ये एक्सपेरिमेंट सही साबित हो जाएगा, तो वो थ्योरी लॉ बन जाएगी, वो थ्योरी जो है वो लॉ बन जाएगी, कि जो थ्योरी हमने बताई है कि इसे ऑब्जर्व हमने किया था, उसे जो साइंटिफिकली हमने ऑर्गेनाइज वे में बताया, फिर जब उसे टेस्ट किया और वो सही साबित हुई तो वो थ्योरी बन जाएगी लॉ। तो इसी तरह जब ये चीज़ एफ इजिकल्स टू एम इन टू है, जब प्रूव हो गया, ये लॉ बन गया, तो इसे दिया गया नाम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सही है। तो ये बात क्लियर हो रही है कि जब कोई चीज़ प्रॉपर्ली मतलब एक्सेप्ट हो जाए साइंटिस्ट की तरफ से, और ये बात वाजे हो जाए कि ये लॉ, ये थ्योरी सही है, तो उसे लॉ का नाम दे दिया जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक की भी बात कर ही लेते हैं, इसी में नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो आगे जो है वो टीचिंग्स ऑफ इस्लाम और कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट हैं। तो जो टीचिंग ऑफ इस्लाम की मैं बात करूँ तो वो ऑब्वियसली आता नहीं है, तो अगर आपको समझना हो तो आप ज़रूर बुक से पढ़ें उसे, और ऐसे दिल चाह रहा पढ़ने का तो ज़रूर पढ़ें बुक से। और उसके बाद आता है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ फिज़िक्स। तो अबू बिन हैथम और मोहम्मद बिन अल अरबी अल बैरूनी सॉरी अल बैरूनी इब्नुल अरबी याद आ गया, सॉरी अल बैरूनी की बात हो रही है, और अल किंदी वगैरह, और दूसरे भी अब्दुल सलाम वगैरह, अब्दुल कदीर खान, ये सब साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फिज़िक्स में बहुत अहम रोल प्ले किया। तो इनके बारे में बताया गया, इनके कॉन्ट्रीब्यूशन बताए गए, तो वो आप ऑब्वियसली मैं समझाऊंगा क्या इसमें, तो वो आपने ख़ुद पढ़ना है। तो अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको हो कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही कि ये क्या है ये क्या है, तो ज़रूर आपके लिए कमेंट सेक्शन हाज़िर है, तो आप जब चाहें उसमें कुछ भी लिख सकते हैं, और मतलब कुछ भी नहीं, मतलब सवाल जवाब कर सकते हैं। और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट सेक्शन में लिख देता हूँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वह व्हाट्सएप पर भी मुझसे रابطہ कर सकता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब बोलते हैं मैं भी बोलूँगा, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें इसकी नीड हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।